हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी 805S फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी 805S फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग है, तो होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को आप सेट कैसे कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी 805S फ़ोन में, और कैसे होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को आप सेट कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कैसे कर सकते हैं और कैसे होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर पाएंगे सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कैसे करें और कैसे आप क्लॉक टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन से शोर हैं, तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। आपको जाना है सेटिंग्स पे और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग है, तो होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को आप सेट कैसे कर सकते हैं और कैसे आप क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं, सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपके पास ऑप्शन आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले पे जाते हैं, जो भी आप होम स्क्रीन क्लॉक सेटिंग को सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, पर यहाँ पर सेटिंग शो नहीं होगी क्योंकि आपको जनरल सेटिंग्स पे जाना होगा। जनरल सेटिंग्स पे जाकर टाइमिंग सेटिंग्स पे जाकर यहाँ से आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को जो भी सेट करना चाहते हैं, PM/PM करना चाहते हैं, तो डन करते ही सेट कर सकते हैं। जो भी आपका होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग है आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, एंड आप ऑटोमेटिक टाइमिंग को भी सेट कर सकते हैं। ऑन करते टाइमिंग ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, और ऑफ़ कर देंगे तो आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने ऑफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M30 805S फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।